हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय पथ। और आज है क्लास नंबर 6। तो आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और किस पे करेंगे? हर्बर्ट स्पेंस। तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया? थियोरी कर लिया, ठीक है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यू। क्योंकि थियोरी पढ़ने के बाद अगर आप एमसीक्यू कर लोगे तो आपके ब्रेन में अच्छे से बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू के साथ, जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो थ्रू एमसीक्यू एंड देखते हैं। फिर जो पहला है, पहला क्वेश्चन है, हु कॉइंड द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द कोर्स ऑफ सोशल इवोल्यूशन। तो आज के जो एमसीक्यू में, इंटायर एमसीक्यू में यही रहेगा, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस हैं। तो मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब हर्बर्ट स्पेंसर हैं। तो ये एमसीक्यू मैं इसीलिए लेके आया हूं ताकि ये अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना उसको भी समझो, ठीक है। जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें हर्बर्ट स्पेंसर आ रहा तो तुम ऐसे ही देख के चले गए। नहीं, ऐसा मत करो, ठीक है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट थियरी में तुमने पढ़ रखा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जाओ और क्लास नंबर 5 करके आ जाओ, ठीक है। क्लास नंबर 5 से पहले थियरी पढ़ लो, थियरी पढ़ने के बाद यहाँ पे आओ और एमसीक्यू करो, ठीक है। तो हु कॉइंड द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द कोर्स ऑफ सोशल इवोल्यूशन, ठीक है। चलो, तो जाहिर सी बात है इसका जवाब क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंस। तो हिंदी वालों को शायद नहीं दिखा होगा। अब देख लो, सामाजिक विकास के क्रम में योग्यतम की उत्तर जीविता मुहावरा किसने दिया था, ठीक है। तो इसका जवाब है हर्बर्ट स्पेंस। हिंदी के ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मैं गूगल से ही करता हूं, ठीक है। गूगल से ही ट्रांसलेट करता हूं तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्बर्ट स्पेंसर वॉज अ डैश फिलोसोफर। ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी ब्रिटिश, ऑप्शन डी इटालियन। तो जिन लोगों ने एमसीक्यू, जिन लोगों ने थियरी क्लास पढ़ रखे थे वो लोग बताएं भाई। 2 सेकंड का आप टाइम लो और इसको बताओ, ठीक है। चलो, आई होप आपको याद आ गया होगा। तो जिन लोगों का जवाब है ब्रिटिश, दे आर राइट, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर वॉज ए ब्रिटिश फिलोसफर, और कभी कभी ऐसे आ जाता है इंग्लिश, इंग्लिश भी कभी कभी आ जाता है, तो इंग्लिश कर देना, ठीक है। चल, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट प्रिंसिपल इज द वर्क ऑफ। ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स एंड ऑप्शन डी इमाइल डरकिन। फर्स्ट प्रिंसिपल किसका वर्क था? हर्बर्ट स्पेंसर का, ओके, हर्बर्ट स्पेंसर का। अब प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसका था? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसका था बोलो? वो भी हर्बर्ट स्पेंसर का ही था, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। चल, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटायर एमसीक्यू इज बेस्ड ऑन हर्बर्ट स्पेंसर, ओके। तो आंसर मोस्टली हर्बर्ट स्पेंसर ही रहेगा। आप क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो ताकि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो फिर कंफ्यूज ना होना, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इवोल्यूशन वॉज डेवलप्ड बाई। ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी एम एल डर्किन। सामाजिक विकास की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर।
हर्बर्ट स्पेंसर, ये इंटायर ये चीज सोशल इवोल्यूशन के बारे में किसमें थियरी में बताया था ना, थियरी वाले क्लास में बताया था, ठीक है। तो जिन लोगों ने थियरी नहीं पढ़ा है तो जाके प्रीवियस वाले क्लास में, क्लास नंबर 5 में हर्बर्ट स्पेंसर का थियरी पढ़ ले, उसके बाद से ही एमसीक्यू हो जाएगा। बहुत इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रेस्ड और इम्फेसाइज अपॉन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ए अगस्त कॉम्टे, बी कार्ल मार्क्स, सी इमाइल डर्किम एंड डी हर्बर्ट स्पेंसर। हिंदी में अगर पढ़ें तो निम्नलिखित में से किसने समाज की विभिन्न भागों की अन्योन्याश्रितता पर बल दिया? तो किसने दिया भाई? जहां तक मैं जानता हूं उसका आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, तो जब भी ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी इंटरडिपेंडेंस की बात करे और डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी की बात करे तो कौन आ जाएगा वहां पे? हर्बर्ट स्पेंसर आ जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चंस अभी इस एमसीक्यू वाले जो अभी ये वीडियो जो चल रही है, इस वीडियो में आप क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दो। ऑप्शन में तो अगर हर्बर्ट स्पेंसर है तो हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड ही चैप्टर है, ये हम लोग का टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है आंसर तो हर्बर्ट स्पेंसर ही होगा। तो क्वेश्चन पे फोकस करो, क्वेश्चन कैसा पूछा है, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर एक ऐसा टॉपिक है कि सारे सवाल अगर आप एक बार देख लोगे ना तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। बस कंफ्यूज मत कर जाना। जैसे सोशल स्टैटिक्स वाला क्वेश्चन है, जैसे सोशल स्टैटिक्स है, अगर बुक का नाम लेगा कि फर्स्ट ये बुक किसका है, तो बुक किसने लिखा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। लेकिन अगर यही सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स की बात करें तो सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? अगस्त कॉम्टे ने। किसने दिया था? अगस्त कॉम्टे ने। ओके, आई होप यू गॉट दिस। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म ऑर्गेनिक एनालॉजी इज एसोसिएटेड विथ? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन सी मैक्स वेबर एंड ऑप्शन डी इमाइल डर्किन। तो जब मैं थियरी पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था ना कि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने साथ ये स्टार भी बनाया था यहाँ पे थियरी पढ़ाते हुए। ऑर्गेनिक एनालॉजी और नेचुरल थियरी अगर ऐसा वर्ड्स आ गए, ऐसे कीवर्ड्स आ गए, तो क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, तो ऑर्गेनिक एनालॉजी में क्या था, उन्होंने सोसाइटी को किससे कंपेयर किया? ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया। ओके, चल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज हर्बर्ट स्पेंसर बॉर्न? हर्बर्ट स्पेंसर बॉर्न कौन से ईयर में? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1821, ऑप्शन सी 1820, ऑप्शन डी 1870। जब मैं थियरी पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ है वो याद कर लो, क्योंकि वो एग्जाम में पूछता है। तो आई होप आपने उसको याद कर लिया होगा ईयर को, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1820। ओके, जिनको नहीं याद है वो याद कर लें, डेट भी याद कर लेना, इसके साथ डेट भी याद कर लेना 1820। आई थिंक इट्स 27 अप्रैल। आप चेक कर लेना पिछले वाले क्लास में, जो भी डेट होगा उसको याद कर लेना। मुझे जहां तक पता है वो 27 अप्रैल ही था, 27 अप्रैल 1820। ओके, अच्छा इसका हिंदी में मैंने नहीं कन्वर्ट किया है, तो इंग्लिश हिंदी वालों ये यहीं से पढ़ लो, बस हर्बर्ट स्पेंसर कब पैदा हुए तो वही पूछ रहा था, ठीक है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी वॉज ऑथर्ड बाई, अभी फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है,
ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, मैक्सिमम एग्जाम्स में ये आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। और जब प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी आ जाता है तो अब बच्चे अगर सोमते में कर जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूज मत करना। इसका जो सही जवाब है वो कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, ओके। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखा था, हर्बर्ट स्पेंस। चलो कम टू द नेक्स्ट। इस बार पहले हिंदी दे दिया, कोई बात नहीं, हिंदी पढ़ लेते हैं, जिनको इंग्लिश आता हो हिंदी इंग्लिश वाला पढ़ ले, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है ऑप्शन ए मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक पद्धति, ऑप्शन बी मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति, ऑप्शन सी मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति, एंड ऑप्शन डी मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति। ओके, तो जहां तक मुझे पता है वहां पे क्या होता है, इवोल्यूशनरी मैथड, इसी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी मैथड, इसी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी मैथड। ओके, तो ये वाला सही जवाब हो जाएगा। चलो चलो ठीक है, इंग्लिश में क्या था भाई, मेनली फंक्शनल मेथड, मेनली स्ट्रक्चरल मेथड, मेनली यूनियन कॉन्फ्लिक्ट मेथड, एंड डी मेनली इवोल्यूशनरी मेथड। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट। तो थियरी को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपने बता दिया होगा, नहीं बता पाए तो प्लीज जाके थियरी फिर से कर लो। ओके, हु हैज गिवेन द ऑर्गेनिक व्यू ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी डब्ल्यू आई थॉमस, ऑप्शन सी वी परेटो, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। सावयवी दृष्टिकोण के बारे में पूछ रहा है कि किसने दिया था, ठीक है, किसका था सावयवी दृष्टिकोण। ऑप्शन ए स्पेंसर थे, बी सी डी, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है कौन है, स्पेंसर। अगर एग्जाम में ऑर्गेनिक व्यू के बारे में बात करेगा तो किस पे करना, स्पेंसर को चूज करना। ओके, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, व्हाट इज द की ऑफ सोशल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन ए सोशल एडाप्टेशन, ऑप्शन बी नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन सी सोशल सिलेक्शन, ऑप्शन डी सोशल इंस्टीट्यूशन। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार विकास के सामाजिक व्यवस्था की कुंजी क्या है, सामाजिक अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, सी सामाजिक चयन, डी सामाजिक संस्था। आई होप यू गॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नेचुरल सिलेक्शन। ओके, ही इज टॉकिंग, ही वॉज टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, जो सबसे ज्यादा फिट एंड फाइन रहेगा वही सोसाइटी में सरवाइव करेगा, सरवाइव करेगा। ओके, आई होप यू गॉट दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्बर्ट स्पेंसर हैज टेकन हिज इवोल्यूशनरी मेथड फ्रॉम द वर्क ऑफ, ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी हार्वे। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी विकासवादी पद्धति किसके कार्य से ली है, ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया होगा, तो बताओ फिर, ये तो इजी है, ऑप्शन ए डार्विन। ओके, कहां से लिया था, द ओरिजिन ऑफ द, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बुक से। ये बुक किसका था, ये बुक किसका था, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज डार्विन का, डार्विन का। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान से देखो, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बुक के बारे में पूछेगा तो इस बुक का जो राइटर था कौन था, डार्विन था, ठीक है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने कॉइन किया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने कॉइन किया था, हर्बर्ट स्पेंसर। ओके,
और हर्बर्ट स्पेंसर ने इवोल्यूशनरी मेथड कहां से लिया था, किसके वर्क से, किससे, डार्विन के वर्क से। ओके, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से पढ़ोगे बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कहीं नोट कर लेना अगर नहीं पता हो तो, पता है तो बहुत अच्छा। ओके, हु इज कॉल्ड द सेकेंड फादर ऑफ द सोशल साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है ये। हु इज कॉल्ड द सेकेंड फादर ऑफ द सोशल साइंस, अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी इमानुएल डर्किन, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। सामाजिक विज्ञान का द्वितीय जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो अगर तुम्हें नहीं पता तो इसको नोट कर लेना क्योंकि एग्जाम्स में आ सकता है, इसका करेक्ट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, आई होप यू गॉट दिस, और एमसीक्यू खत्म हो गया, लेकिन मुझे लगता है एक क्वेश्चन रह गया। कौन सा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चंस आएगा कि जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने सोसाइटी को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया, कर दिए थे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, पहला मिलिट्री, मिलिट्री सोसाइटी, और दूसरा क्या था, थ्योरी में याद है ना, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो जब भी मिलिट्री सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात आए करेगा कोई एग्जाम में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका आंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी को दो सोसाइटी में कैटेगराइज किया था, मिलिट्री सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, मिलिट्री सोसाइटी में क्या था, क्या कीवर्ड्स था, मैंने थ्योरी में बताया था ना, सीसी, कंपल्सरी कोऑपरेशन, कंपल्सरी कोऑपरेशन। यहां पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या था, वॉलेंटरी कोऑपरेशन, वीसी। ठीक है, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या था, फ्री एसोसिएशन, फ्री एसोसिएशन। और मिलिट्री सोसाइटी में क्या था, हाईली डिसिप्लिन, हाईली सोशल कंट्रोल। ओके, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना कि आज का सेशन कैसा लगा, और दोस्तों में शेयर करना, और जो लोग नए आए हैं वो लोग, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि कैसा लगा आज का सेशन। चलो ठीक है, तो जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, बाय बाय।